नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारे दर्शकों की सेवा में हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, देखते देखते समय निकलता गया, तीसरे वर्ष में हम लोग शीघ्र ही प्रवेश करने वाले हैं और हमारे एपिसोड की संख्या बढ़ते हैं 3 अंकों में पहुँची। आज हम 103 यानी 103rd पायदान पर खड़े हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से हमारी पुरजोर कोशिश रही कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में स्वास्थ्य विषयक समस्या जिसका हम लोग सामना करते हैं उसे लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और संबंधित जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे उस विषय में मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सम्मुख आए हैं। अमूमन हम शौच या शौचालय या संडास इन शब्दों का प्रयोग अवॉइड करते हैं। सुनते से क्या चेहरे के भाव बदल जाते हैं, खाना पीना छूट जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब ये समस्या हमारे साथ होती है तो जिस व्यक्ति को होती है, जिस बच्चे को होती है, उसे उसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वही जानता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने हेतु हमने हमारे स्टूडियो में जिन विशेषज्ञ को बुलाया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। मैं मिला हूँ आपसे डॉक्टर निनाद जी चौधरी को। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर निनाद जी हमारे शहर के युवा बाल रोग और नवजात शिशु विशेषज्ञ नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कोल्हापुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और उसके बाद मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से DNB की प्रतिष्ठित डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने पुणे स्थित प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से फेलोशिप प्राप्त करने के बाद पिछले एक वर्ष से ये हमारे शहरवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज, कब्जियत या मराठी में बद्धकोष्ठता कहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और क्यों होता है, मतलब इसके मैकेनिज्म क्या है। कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है या कॉन्स्टिपेशन हम किसे कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन यानी मोशन में कठिनाई होना, मोशन करने वक्त पेन होना या दर्द होना, मोशन बार बार मोशन ना होना, या हफ्ते में एक या दो बार या कभी कभी महीने में दो या तीन बार मोशन होना, इस सब चीज़ों के कारण जब मोशन करने में कठिनाई होती है या कड़क मोशन होती है या कड़क शौच होती है, उन्हें हम आम तौर पे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है ये जानने के पहले मैं आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है वो समझाना चाहूँगा। जब हम खाना खाते हैं तो पहले खाना पेट से होके स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी अतड़ियों में जाता है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी अतड़ियों में जाता है। बड़ी अतड़ियों में जाने के बाद उसका दो भागों में विभाजन होता है, जैसे अच्छी चीज़ें वो एब्सॉर्ब हो जाती है और जो गलत चीज़ें जो बाहर जानी चाहिए जिसको अपन मैल या शौच कहते हैं वो निर्माण होते हैं। जैसे जैसे ये शौच निर्माण होता है उसमें का जो पानी का कंटेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होता है, जिसके कारण शौच को थोड़ा सा कठिनाईपन प्राप्त होता है, कड़क बना जाएगा। कड़कपना प्राप्त होता है। कुछ बच्चों में, जैसे कुछ बच्चे शौच नहीं कर पाते या कठिनाई उनको कुछ प्रॉब्लम के कारण शौच करने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों में ज़्यादा पानी एब्सॉर्ब हो जाने से उनका जो मोशन है वो कड़क हो जाता है, जिसके कारण उनको मोशन पास करने के वक्त पेन होता है। तो इस घबराहट के कारण कि भाई मुझे पेन होगा, तो बच्चे अवॉइड करते हैं कि मैं मोशन को जाऊं, या फिर वो कुछ ना कुछ रीज़न बता के मोशन जाना टाल देते हैं, रोक के रखते हैं। वो रोक के रखते हैं मोशन। उसके कारण क्या होता है कि हर बार मोशन रोक के रखने से वहाँ मोशन यानी जो मैल है वो और ज़्यादा जमा हो जाता है और उसमें का पानी और ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है और मैं वो जो शौच है वो और ज़्यादा कड़क होने लगती है। वो कड़क होने के कारण बच्चा हर बार वही सोचता है कि नहीं, मुझे अभी दर्द होगा, मुझे अभी थोड़ा ब्लड जाएगा, इसके कारण वो और अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में विशियस साइकिल बोलते हैं। एक चक्र रहता एक है। चक्रव्यूह में फंस जाता है बच्चा और उसके कारण वो कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है, या ज़्यादा दिन रहा तो उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर निनाद जी हमसे कह रहे हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसमें से जो आवश्यक तत्व होते हैं शरीर उसको अपने पास रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं कि जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसे शरीर अपने बाहर करता है। जो सॉलिड होता है, ठोस स्वरूप, वो हमारे शौच के द्वारा होता है और जो लिक्विड होता है वो मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा पास होता है। और बहुत आसानी से ने जो प्रक्रिया समझाई है
कि हमारे पेट में उसका पेट और छोटी आंतड़ी में इसका डाइजेशन यानी पाचन क्रिया होने के बाद में जैसे जैसे नीचे सरकता बड़ी आंतड़ी में वहाँ पे शौच का निर्माण होता है जिसे हम मल कहते हैं। सर इसको मोशन के द्वारा कहें तो आगे जितना संबोधन मोशन कहते हैं उसको हम मल या स्टूल को या शौच समझेंगे। और जितनी देर अगर वो रहे पानी उसमें से निकलते जाएगा और वो कड़क होते कठोर स्वरूप में होती जाएगी। बच्चों को जब ये कठोर स्वरूप के जब शौच वो पास करते हैं तो उन्हें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। इस जोर में उन्हें दर्द अनुभव होता है और इसी संघर्ष में जब वो इतनी कड़क शौच बाहर आती है तो हो सकता है कि गुदा द्वार जहाँ से शौच बाहर आती है वहाँ पर कुछ छिद्र हो जाए, फिशर्स हो जाए, रक्त भी निकल सकता है। और इस डर के मारे बच्चा उसको रोकने की कोशिश रोकने करे की कोशिश कर और रहे जितना हैं, वो रोकेगा उतना वो कड़क होती कड़क है। होती जाएंगी। सर पर ये जिस तरह से हम समझते हैं कि शौच होना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, अपने आप होना चाहिए, तो ये रुकती क्यों है या संक्षेप में इसके कारण क्या हैं? जैसे देखा जाए नॉर्मली शौच रोज या हफ्ते में 2 से 3 बार होनी चाहिए, पर कुछ कारणवश बच्चे शौच नहीं कर पाते। जैसे सुबह जल्दी स्कूल, अर्ली मॉर्निंग स्कूल है, वो जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे और फिर उनको टाइम नहीं मिलेगा शौच करने के लिए, वो वैसे ही भाग के स्कूल चले जाएंगे। उनको स्कूल में क्लीन टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, अगर वहाँ पे उनको शौच की संभावना लगती है या शौच आती है तो वो रोक के रखते हैं। ये डे टू डे बेसिस पे 2-3 दिन भी हो गया तो उनको शौच कड़क होने चालू हो जाती है, जिसके कारण आगे की जो साइकिल है, विशेष साइकिल चालू हो जाती है और शौच कड़क होना चालू हो जाता है। दूसरी बात, जो हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल है वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। जैसे हड़बड़ाहट में खाना खाना, रोज प्रॉपर टाइम पे शौचालय ना जाना, या शौचालय जाने के पहले कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं सोशल गैदरिंग में गए हैं या कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो बच्चे माँ बाप को नहीं बोल पाते कि मुझे मोशन आई है या मुझे जाना है। उसके कारण इनिशियल इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई शौच नहीं जा रहे हैं, वो रोक के रख रहे हैं, वहाँ पे जमा हो रही है, और उसके कारण फिर कॉन्स्टिपेशन होना चालू हो शुरू जाता होते है। हैं। ये सब इनिशियल इवेंट्स है उसके बारे में। तो मान लीजिए अगर कहीं सोशल गैदरिंग में जाए, चाहे परीक्षा के लिए जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, तो ये अगर पहले से हमने उसे ट्रेन करके रखा और उसके अगर सीमा निकाल के रखी तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। आप कह रहे थे कि जिस तरह से बदलती जीवन शैली उसका भी बच्चों पर असर होता है और बच्चों के अंदर में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या हाँ, जैसे अब तक भारतीय समाज में ऐसी धारा मान्यता थी कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ बड़े लोगों में होता है, पर अभी ऐसा पाया जा रहा है कि छोटे बच्चों में, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 1 साल वाले बच्चे हैं, या फिर टॉडलर्स बोलते हैं हम, जैसे प्री स्कूल और स्कूल गोइंग बच्चे, इन मान लीजिए तीन तीन चार तीन साल से के हाँ 3 साल से 5 साल कम तक हो बच्चे, और कभी कभी 1 या 2 साल वाले भी बच्चे, इन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कॉमनली पाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण हमारी बदलती जीवन शैली है। ये किस तरह से जिम्मेदार है? जैसे कि हम देखते हैं कि पहले हम अच्छा खाना खाते थे, घर का खाना खाते थे, ज़्यादा पानी पीते थे, तो हम रेगुलरली शौच जा सकते थे। आधुनिक जीवन शैली में हमारे खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर युक्त पदार्थ, फल फ्रूट्स, होल व्हीट ब्रेड, या फिर हम जिसको घर का खाना तंतुमय पदार्थ बोलते हैं, इसका इंटेक कम हो गया है। मैदे वाली पदार्थ जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, तली हुए पदार्थ, ज़्यादा मीठा खाना, दूसरी तंतुमय पदार्थों का कम खाना, ये चीज़ों के माध्यम से ये चीज़ें खाना ज़्यादा हो गया है, इसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन है उसका मात्रा बढ़ रही है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना पानी का इंटेक होना चाहिए उतना पानी का इंटेक नहीं हो रहा है, यानी हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, वो पानी हम कम पी रहे हैं, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बोलते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स या बॉटल ड्रिंक्स, इसका सेवन ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन का प्रमाण बढ़ रहा है। तो संक्षेप में ऐसा समझे जितना हम नेचर से प्रकृति से दूर जा रहे हैं कि अब तक हमारे भोजन में जो प्राकृतिक चीज़ें हुआ करती, नेचुरल फूड हुआ करता था, उसकी जगह जंक फूड ने शुरू जंक कर, फूड्स बर्गर पिज़्ज़ा। हमारे जो नेचुरल हमारा पेय है, हमारे जो पीने का पदार्थ है वो पानी है, पानी उसके अगर कार्बोनेटेड एरिएटिक ड्रिंक्स आ गए हैं, डब्बा बंद जूस आ गए हैं, यह हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है नुकसानदायक और ये हमारे कॉन्स्टिपेशन की जिम्मेदार भी जिम्मेदार है। है।
इसके अलावा जैसे ये आपने बताया कि गड़बड़ी वाली जो बात है कि जितने हम लोग हड़बड़ी में हैं, टाइम मैनेजमेंट हम कर नहीं पाते हैं, स्कूल में आप इसको किस तरह से मेजर मानते हैं? जैसे अभी आजकल स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो आज अर्ली मॉर्निंग स्कूल जिन बच्चों की होती है या बहुत जल्दी में, तो आजकल के बच्चे हैं कि वो थोड़ा लेट सोते हैं, मोबाइल टीवी वीडियो गेम खेलते हैं, लेट सोते हैं, जल्दी सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, रात में तो देर से सोए, रात में देर से सोती है, सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं। उसके कारण ये होता है कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, वो तुरंत नहा धो के स्कूल चले जाते हैं, हड़बड़ी में खाना खाते हैं और टॉयलेट नहीं जाते। स्कूल जाने के बाद उनको टॉयलेट आती है, पर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, कभी कभी स्कूल में क्लीन टॉयलेट्स नहीं मिलती, लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं रहती, सेपरेट एनवायरनमेंट नहीं रहता, उसके कारण वो संकोच करते हैं स्कूल टीचर को बताने के लिए या फिर शौच या टॉयलेट जाने के लिए, तो रोक के रखते हैं। तो वो रोक के रखते हैं, घर जाने के बाद करेंगे ये सोचते हैं, घर जाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझ जाते हैं और ये एक प्रक्रिया या चक्रव्यूह बन जाता है, और ये उसके कारण बन ये जाता है। उसके कारण बन जाते हैं। मैं तो जिस तरह से डॉक्टर निनाद जी हमसे कह रहे हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हमारी सुविधा के लिए बनी है, वे हमारे जीवन का पर्याय नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं बननी चाहिए, कि जिन मोबाइल, वीडियो गेम्स या टीवी हमारे मनोरंजन का साधन हुआ है, उन्होंने हमारी सामाजिकता और हमारी जीवन शैली को इतनी हद तक बदल दिया है कि इसका हमारे दैनंदिन जीवन पर असर पड़ रहा है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर विपरीत असर पड़ रहा है। जो पालक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे नम्र विनती है कि इन सब साधनों का उपयोग कम से कम करें और अपने बच्चों से संवाद स्थापित करें, फैमिली में फैमिली डिस्कशन हो, कम्युनिकेशन हो, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और इन सब दुष्परिणाम से बच सकते हैं। तो सर, एक दूसरा प्रश्न आता है कि अगर ऐसे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो बच्चों को क्या तकलीफ होगी? कॉन्स्टिपेशन जब होता है बच्चों में तो बच्चों में दो प्रकार की तकलीफ सामान्य रूप से होती है, एक फिजिकल यानी शारीरिक तकलीफ, दूसरी साइकोसोशल यानी मनोवैज्ञानिक तकलीफ। शारीरिक तकलीफ में पेट दर्द होना, कड़क संडास होना, पेट फूलना, गैस होना, उसके बाद धीरे धीरे भूख कम लगना, ये चीज़ें कॉमन है। ये सब चीज़ों के कारण कभी कभी बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो कम हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेल्योर टू थ्राइव बोलते हैं, उनका वज़न और ऊंचाई जो बोलते हैं लेंथ, वो कम हो जाती है। तीसरी बात, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी जो हमारी पेशाब करने के जो प्रक्रिया है उसमें कठिनाई आती है, बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, कभी कभी पेशाब बराबर से नहीं होती तो वो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो गई शारीरिक व्याधियाँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक, जैसे जिस बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के कारण कभी कभी स्कूल में या कपड़ों में मोशन हो जाती है, वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, वो सोशल गैदरिंग अटेंड नहीं कर पाते, स्कूल में भी अपने जो बाकी दोस्त लोग हैं उनसे वो पढ़ाई में या खेलकूद में पिछड़ जाते हैं, उनका आत्मविश्वास कम हो गया, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं है उनके हाँ अंदर। उनका आत्मबल कम हो जाता है, जिसको हम सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शारीरिक दबाव से, क्योंकि अगर शारीरिक तो हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट करके सुलझा सकते हैं, पर मनोवैज्ञानिक जो परिणाम है उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मित्र, जिस तरह से सर हमसे कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर ये जो हमारे शौच है कड़क होती है या इसमें तकलीफ होती है, तो बच्चों को वो जो पास करते हैं तो वहाँ से खून जा सकता है, वहाँ पर फिशर हो सकते हैं, दरारें पड़ सकती है, और ये उसका जहाँ पर असर भी है, ये उसका कारण भी बनता है। तो एक तरह का चक्र चला जा रहा है, जहाँ सवाल उठा कि एक तरफ तो शौच है कड़क हो रही है, दूसरी तरफ सर कह रहे हैं कि गीले कर सकते हैं कपड़े, तो इसे एनकॉप्रेसिस, ये मेडिकल शब्द है, इसका मतलब हुआ कि जब शौच बहुत कड़क होती है तो आसपास के कड़क शौच से हल्का सा पानी या पतला शौच रिसाव हो सकता है और वो अंदर के कपड़े गीले कर सकता है, जिसे बच्चा स्वयं अनुभव करता है, लज्जा के मारे, संकोच के मारे वो किसी से कह नहीं पाता, और जब ये घटनाएं बार बार होती तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, संकोच के मारे फिर और रोकने की कोशिश करता, फिर से चक्र शुरू है।
इन्हीं कारणों से वह सोशल गैदरिंग सामाजिकता टालता है, मित्र वर्ग अवॉइड करता है। फिर से ये सब चीज़ें उसकी अकेली जीवन शैली को बढ़ावा देती है जो कॉन्स्टिपेशन का एक कारण है। मित्रों, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा अब एक अनूठे अनछुए सब्जेक्ट पर चल रही है, विषय कॉन्स्टिपेशन यानी बद्धकोष्ठता यानी कब्ज। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीनाजी चौधरी, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। परिवेश फैशन परिवेश फैशन लेगिंग्स, कुर्ती, टॉप, जींस, सलवार सूट। ड्रीम्स लैंड का भव्य शोरूम, ढेर सारी रेंज, शर्ट, टी शर्ट, जींस, ट्राउजर, नाइट सूट। फैशन के दुनिया में एक ही नाम, परिवेश फैशंस। परिवेश फैशंस, उच्चतम क्वालिटी, असीमित रेंज के साथ किफायती दामों पर उपलब्ध। मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी स्वास्थ्य विकास श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज यानी बद्धकोष्ठता। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद है वे हैं शहर के जाने माने युवा बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर नीनाथ जी चौधरी। सर, इतने आसान तरीके से आपने जिस विषय को छुआ है तो उसमें एक रहकर सवाल उठता है कि हमने जो कारणों की जांच की तो इसमें ऐसी कुछ बीमारियां भी होती कि जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन में मुख्यतः दो प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है। एक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जो लाइफस्टाइल निगड़ित है जिसकी चर्चा हमने अब तक की, और दूसरा ऑर्गेनिक या पैथोलॉजिकल, जो शारीरिक व्याधियों के कारण होता है। जैसे कुछ बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायरॉयड हार्मोन की कमी, हाइपर कैल्शियमिया यानी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना, दूसरी बात ब्रेन की बीमारियाँ मस्तिष्क से रिलेटेड, जैसे सेरेब्रल पाल्सी या मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम जैसे स्पाइना बाइफिडा, कुछ कुछ बच्चों में जो शौच की जगह है वो छोटी होना या सिकुड़ जाना जिसको एनल स्टेनोसिस बोलते हैं, कुछ बच्चे जो 1 साल से नीचे हैं उनमें हर्षप्रुंग डिसीज़ यानी शौच की जगह छोटी हो जाना, ये कुछ कारण हैं जो शारीरिक व्याधियों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर शौच की जगह कहीं से दूसरी जगह हो गई हो या जो कंजेनेटल मेगाकोलन बोलते हैं वैसे कुछ चीज़ हो तो वैसे वो भी हाँ, कुछ कारण। वो भी कुछ कारण हाँ होते सर, हैं। पर अमूमन ये सब चीज़ें तो जो डॉक्टर है विशेषज्ञ वही पता कर हाँ, सकते ये हैं। चीज़ें विशेषज्ञ पता कर सकते हैं। तो जब भी हमको कुछ कठिनाई हो रही है और हमको लग रहा है कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मिलिटी लग रही है, उनका बाकी जीवन शैली बहुत अच्छी है पर उनको सोच में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर साहब डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और ये जो पैथोलॉजिकल रीज़न है उसको हम डॉक्टर को बता के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक, बहुत जरूरी से सूचना हम हमारे पालकों को देंगे कि अगर इस तरह की कोई समस्या का वो सामना कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने डॉक्टर साहब को देनी देनी चाहिए, चाहिए यानी उसमें कोई कम भी नहीं करें और बढ़ा चढ़ा के भी बड़ा नहीं में बताएं बराबर और न किसी लज्जा संकोच का अनुभव करें और न बच्चे को इस तरह से बताएं। ये तो सर, अब हम अब इसके उपाय के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें कि जैसे कुछ एक दवाइयाँ होती हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, कुछ एक दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन में असर करती हैं, उसके लिए लाभकारी होती है, तो दोनों के विषय में आप क्या सलाह देंगे? जब भी पालकों को लगता है कि हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो तुरंत डॉक्टर साहब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ना कि घरगुती इलाज करने चाहिए। क्योंकि क्या है कि कुछ दवाई है जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे बार बार सर्दी खांसी की दवाई लेना जिसमें कोडीन नाम की दवाई होती है, कुछ आयन प्रिपरेशन या फिर कैल्शियम प्रिपरेशन है वो ज़्यादा मात्रा में ले लेना, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अगर माँ को चल रही है तो वो दूध में से बच्चों को जाती है, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। ये दवाई है जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके बाद अगर हम डॉक्टर साहब डॉक्टर को मिलते हैं तो उसके बाद डॉक्टर कुछ दवाइयाँ चालू करते हैं जिनको हम प्रामुख्य से स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सिटिव बोलते हैं। अभी आप उपचार के बारे में बता रहे या हैं। मैं हाँ उपचार के बारे में बता रहा हूँ, तो डॉक्टर के
के पास जाने के बाद वो जो उपचार चालू करेंगे उसमें स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सिटिव ये दो मुख्य दवाइयाँ हैं, जिससे जो मोशन है वो सॉफ्ट होती है, मोशन पास करने में जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाता है और बच्चा रेगुलर मोशन पास करने लगता है। दूसरी दवाई ये होती है कि जब बच्चे को मोशन करने में तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रही है, तो शौच की जगह पे लगाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे वो जो पेन है या तकलीफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि मुख्य कारण तो पेन है जिसके डर की वजह से बच्चा कर नहीं रहा, तो अगर वो पेन निकल गया तो बच्चा उसको आसानी से कर पाएगा। तो मुख्य दवाइयाँ ये दो प्रकार की है। जैसे और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये दवाइयाँ कुछ ऐसे 10-15 दिन लेके बंद करने वाली नहीं है, आपको कम से कम डॉक्टर के सलाह के हिसाब से 6 महीने से 1 साल तक, कभी कभी 2 साल तक भी ये दवाई लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई इससे कुछ आदत तो नहीं हो जाएगी बच्चों को, तो मैं ये कहना चाहते हो कि ये दवाइयाँ अलग प्रकार की है जिससे कोई बच्चों को आदत नहीं पड़ जाती, धीरे धीरे हम ये दवाइयाँ कम करेंगे और फिर वो अपन बंद कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि जैसे डॉक्टर आपको सलाह देंगे उस सलाह के हिसाब से जब तक वो बताएंगे उसने अंतराल तक ये दवाई चालू रखनी चाहिए। दर्शन डॉक्टर निनाद जी हमसे कह रहे हैं कि इसका इस उपचार का जो मुख्य उद्देश्य है कि जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन हुआ दर्द को खत्म करना है, दूसरी बात जो कड़क शौच हो रही है उसको नरम करना है, और तीसरी बात कि ये जो प्रक्रिया हुई है शौच पास करने की ये रेगुलर होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है इस उपचार के लिए। जिन दवाइयों से डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी है तो हो सकता है 2 दिन में 4 दिन में 8 दिन में बच्चे में इसका असर शुरू होता है, तो पालक बहुत बार अपनी मर्जी से दवाइयाँ बीच में बंद कर देते हैं, जहाँ दवाइयों का असर खत्म हुआ बच्चे में फिर से वो चीज़ें शुरू हो जाती है, फिर से बच्चा कड़क शौच करने लगता है फिर बीच बीच में, तो इस तरह के जो बीच बीच में रोकना शुरू करना है इस चीज़ को नहीं करना है। पालकों के मन की शंका डॉक्टर साहब हमसे कह रहे हैं कि इसकी कहीं आदत तो नहीं हो जाएगी कि एक बार हमने बच्चे को दवाइयाँ दे के शौच करवा रहे तो आगे चल के आदत तो नहीं बनी रहेगी। इस विषय में हमसे आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसी कोई आदत नहीं होती है, बल्कि उनके मार्गदर्शन में ये दवाइयों का डोज कम या ज़्यादा हम बच्चे की आदत के हिसाब से कर सकते हैं, और एक निश्चित सीमा पर जब हम ये तय कर लेते हैं निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारे जो उपचार का उद्देश्य पूरा हो रहा है तो दवाई हम बंद भी कर सकते हैं। सावधानी की बात ये विशेषज्ञों के अनुसार कि ये चीज़ें फिर से आ सकती है, बढ़ोतर में हो सकती है, तो कहीं पर इसमें किसी तरीके किसी डॉक्टर को या उपचार पद्धति को दोष नहीं है। और प्रचलित मान्यताओं के हिसाब से कि इस विषय में हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में, हमारे आपसी बोलचाल में कई तरह की दवाइयाँ प्रचलित हैं, सर ने जिसका घरगुती उपचार के रूप में संबोधन किया था, कोशिश करें कि इसे टालें। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे के विकास में होती है कि होने को तो ये नेचुरल प्रोसेस है शौच पास करना, स्टूल पास करना, पर बदलते समय के साथ से ट्रेनिंग या प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तो जिसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं उस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या सूचना देना चाहेंगे? टॉयलेट ट्रेनिंग ये एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है 2 से 3 साल के बच्चों में। जैसे हम बच्चा बड़ा हो जाता है उसको शौच आने लगती है, तो शुरुआत के दौर में बच्चा कह नहीं पाता, वो जहाँ भी है वहाँ पे कर देता है। 2 या 3 साल के बाद हम उसको एक टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं, यानी उनको बताया जाएगा कि भाई तुमको जब भी शौच लगे या आपको सेंसेशन हो आप हमें बताइए, हम आपको टॉयलेट लेके जाएंगे, आपको टॉयलेट में बैठना है, वहाँ पे शौच करना है, ये एक प्रॉपर जगह है टॉयलेट करने की या शौच करने की, आपको वहीं जाके टॉयलेट करना है। तो ये आपको पहली बात तो बच्चे को बतानी पड़ेगी कि इसको बोलते हैं कि उनको ट्रेन करना। दूसरी बात, ये ट्रेनिंग कैसे होती है, तो बच्चे को दिन में 2 से 3 बार जब भी वो पहले खाना खाए उसके तुरंत बाद उसको टॉयलेट में जाके बिठाना चाहिए, जिसके कारण उसका कारण ये है कि बच्चे को खाना खाने के बाद गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि खाना पेट में अतड़ियों में जाता है उसको टॉयलेट की सेंसेशन आना चालू हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है कि जो टाइम में हम उसको टॉयलेट में लेके जाए, जिस तरह जिसके हिसाब से वो तुरंत शौच पास कर सके। तो इसकी मर्यादा यह है कि दिन में 2 से 3 बार आप उसको टॉयलेट लेके जाए और हर बार 5 से 10 मिनट उसको बोले कि आप बैठो वहाँ पे, चाहे आपको टॉयलेट हो या ना हो आपको बैठना है। इसका
कारण ये है कि इसके वजह से बच्चा एक रेगुलर पैटर्न उसका डेवलप हो जाता है, उसको पता है कि हाँ अभी ये टाइम हो गया है, अपने को अभी जाना है, अपने को बैठना है, यानी अपने को टॉयलेट हो जाएगी, तो वो टॉयलेट जमा होना या फिर मोशन जमा होना, उसका कड़क होना, पेन होना, ये चीज़ें उससे कम हो जाती है। तो मैं पेरेंट लोगों को ये आह्वान करूँगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, बच्चों को रोज़ रेगुलर टॉयलेट के लिए लेके जाए, रेगुलर उसको टाइम पे उधर बिठाया जाए, और स्कूल अगर जिन बच्चों का स्कूल जल्दी आता है, सुबह जल्दी है, उनको स्कूल के आने के बाद वो चीज़ें करवाई जाए, जिसके वजह से आपको भी सहायता होगी और बच्चे भी निश्चिंत हो जाएंगे। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से अभी हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार चर्चा कर चुके हैं कि शहर की नामी ग्रामी स्कूल हैं वह हमारे शहर की सीमा से बहुत दूर हैं, तो बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई जिसकी निश्चित टाइमिंग होती है। जिस तरह से डॉक्टर निनाद जी कहते हैं कि बदलती जीवन शैली में बच्चे लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो इस हड़बड़ के दौरान उन्हें जो 10-15 मिनट का टाइम मिलता है उसी में उन्हें ब्रश भी करना होता है, दूध भी पीना होता है, नाश्ता भी करना होता है, बैग जमा कर तैयार होकर तुरंत स्कूल की बस पकड़ना होता है। और ये हड़बड़ी बच्चों से ज़्यादा पालकों को होती है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अगर बस का टाइम चुक गया तो उन्हें इतनी दूर ले जाना पड़े। और इस हड़बड़ी के दौरान एक जो बहुत महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया है वो शौच पास करना, वह अक्सर टल जाती है। स्कूल में अगर वहाँ पर साफ सफाई का अभाव है तो बच्चे इसे टालते हैं। ये जो क्रम है जिसमें नियमितता होनी चाहिए थी, रेगुलरिटी होनी चाहिए थी, ये जितनी बढ़ती जाएगी उतना बच्चे में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। अब इसका उपाय क्या हो? तो इसका उपाय कि अगर स्कूल जाने के पहले बच्चे से हम शौच नहीं करवा पा रहे हैं तो स्कूल से आने के बाद में करवाएं। कोशिश करें कि उसकी जो नियमितता है वो एक निश्चित समय पर हो, निश्चित अवधि हो, बच्चे को सिखाया जाए और उसे बताया जाए कि अगर आपको हो या ना हो आपको बैठना है, तो जिससे उसको बैठने की एक विशेष जो पद्धति वो पता चलेगी, शौच जाने का उद्देश्य पता चलेगा। और दूसरी बात कि इस शब्द से, इस प्रक्रिया से हमारे मन में, समाज में व्याप्त जो गलत धारणा है वो दूर होगी। स्कूल विषय में सर हमने काफ़ी चर्चा की है, और जिस तरह से हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हो सकता बच्चा शौच नहीं करता हो, स्कूल में कोई हो, तो इस विषय में आप स्कूल अथॉरिटीज हैं, वहाँ का प्रबंधन मैनेजमेंट, उसको क्या सूचना देना चाहिए? देखो, इस विषय में स्कूल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे कुछ जो बच्चों घर में शौच पास नहीं कर सकते, उन बच्चों को स्कूल में हम इसका अच्छे सोई सुविधा दे सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, सब बच्चों के लिए क्लीन टॉयलेट होने चाहिए, यानी अगर बच्चों को ऐसे लग रहा है कि हमको मोशन पास करने या शौच करना है तो वो क्लीन टॉयलेट का यूज़ कर सके। अगर स्कूल में टॉयलेट गंदे होंगे या प्राइवेसी नहीं होगी तो बच्चा वहाँ भी शौच करना टाल देगा और फिर वो घर जाने की वेट करेगा। तो स्कूल अथॉरिटी से मुझे यही कहना है कि वो ये एक बेसिक नीड है स्टूडेंट्स की या बच्चों की, उसके बारे में अच्छे से वार्तालाप करें और अच्छी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने अपने स्कूल जो क्लास में है, क्लास टीचर्स है, उन्होंने बच्चों को जो टॉयलेट ट्रेनिंग है या फिर शौच के बारे में उपयुक्त जानकारी देनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो रोज़ के रोज़ होनी चाहिए, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो स्कूल टीचर ने आगे आके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। तो साथ ही खाने के बारे में, डाइट के बारे में वो जानकारी दे सकते हैं। हाँ, डाइट के बारे में भी स्कूल टीचर जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदी वाली चीज़ें जैसे बिस्किट, ब्रेड है, ये चीज़ों का सेवन कम करें, और फाइबर युक्त पदार्थ जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, फल फ्रूट्स है, एप्पल है, बनाना है या पाइनएप्पल है, जिसमें तंतुमय पदार्थ ज़्यादा रहते हैं, इसका सेवन ज़्यादा करें। और दूसरी बात यह है कि स्कूल अथॉरिटी उनके स्कूल में ऐसा लॉ या रूल भी ला सकते हैं कि वहाँ पे जंक फूड्स का सेल या कार्बोनेटेड वाटर या ड्रिंक का सेल बंद करवा दे और घर से ही अच्छा घर का खाना खाए और अच्छा साफ सुथरा पानी पिए। इसके कारण हम जो जंक फूड है उसका प्रमाण कम कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों का प्रमाण बढ़ा सकते हैं।
यानी अगर इसको संक्षेप में हम कहें तो एक तो उन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखें, हाँ। और जो बच्चों को एक स्कूली शिक्षा होती है आहार विषय वो उनको वो दे देना सकते हैं। चाहिए। मित्रों इसी बात से यहाँ पर जब डॉक्टर गणेश कुलकर्णी जी औरंगाबाद निवासी आए थे, उन्होंने एक वाकया जो बताया वो शायद उपयुक्त हो कि एक बच्चा स्कूल जाना इसलिए टाल रहा था क्योंकि स्कूल का नियम था कि अगर उसे या तो पेशाब हो या शौच हो तो उसे इंग्लिश में कहना होता था और बच्चा वो नहीं कह पा रहा था, तो इसलिए वो रोक के रख रहा था। हर बार जब उसे कंट्रोल नहीं होती तो गीला कर देता था। इसी संकोच के मारे और दूसरे बच्चों के चिढ़ाने की वजह से उसने स्कूल जाना अवॉइड करना शुरू किया और आखिरी में स्कूल उसने छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों पर भी ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ के शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, कि बच्चों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करें और अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो उसका निराकरण करें, पालकों से संवाद स्थापित करें और पालकों ने शिक्षकों से संवाद स्थापित करने चाहिए। सर अभी हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए और मुख्यतः पालकों के लिए एक मैसेज ये है कि हम ये इसके लिए बिहेवियरल थेरेपी जो बोलते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पालकों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम दो विषयों में चर्चा करेंगे, एक पॉजिटिव एनफोर्समेंट और एक निगेटिव एनफोर्समेंट। जैसे कुछ कोई बच्चा है जो शौच कर रहा है, कपड़ों में शौच कर रहा है, या कहीं सोशल गैदरिंग लेके जा रहे हैं वहाँ पे उसको शौच आ रही है, या जिसको कॉन्स्टिपेशन है शौच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बच्चों को ताना मारना बंद करना चाहिए, उनको डांटना बंद करना चाहिए, बाकी लोगों के सामने उनको निगेटिव कमेंट्स देना बंद करना चाहिए, जिसके कारण ये होगा कि बच्चे को अगर आप बार बार डांटेंगे तो उनकी घबराहट और बढ़ेगी, उनका डिप्रेशन और बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात जो पॉजिटिव एनफोर्समेंट है, जो उसके बारे में मैं बोलूँगा कि बच्चे को जब ट्रीटमेंट चालू करेंगे उसके बाद जब बच्चे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे कपड़ों में शौच करना उसका बंद हो जाएगा, रेगुलर वो मोशन पास कर रहा है, सोशल गैदरिंग अटेंड कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे वक्त बच्चों को हम शाबाशी देनी चाहिए, उसको हम वर्बल रिवॉर्ड बोलते हैं, जैसे शाबाशी देना या स्टार बना के देना या उसके बारे में अच्छी बातें करना, जिसको हम पॉजिटिव एनफोर्समेंट बोलते हैं। उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसका प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चे को और अच्छी तरह आगे बढ़ने की एक शिक्षा में प्रेरणा मिलेगी। मित्रों आज एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज पर डॉक्टर नीनाजी चौधरी से संपन्न हुई। हमारी तरफ से पूरी कोशिश थी कि हम कार्यक्रम को अधिक रोचक और जानकारी देने लायक इन्फॉर्मेटिव बनाएं, लेकिन कार्यक्रम के विषय में आखिरी सुझाव और आखिरी राय आप ही की हो सकती है और उसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमसे या तो प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप से हमें मैसेज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी दर्शकों को हमेशा से शुभकामना होती है कि आपका आने वाला कल और भविष्य आज से अधिक शुभ और मंगलमय हो। घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि अब आपसे विदा का समय हो गया, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और तब तक डॉक्टर नीना जी, एक अनूठे विषय पर जिस आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।